महासमुंद जिले में लघु वनोपज समिति की 75 समितियों में तेंदूपत्ता खरीदी की जा रही है। पहले दिन से ही संग्राहक बड़ी संख्या में केंद्रों पर पहुंचकर तेंदूपत्ता की बिक्री कर रहे हैं। ग्रामीण आजीविका संवर्धन में तेंदूपत्ता संग्रहण मददगार साबित हो रहा है। महासमुंद जिले में लघु वनोपज समिति के 75 समितियों में तेंदूपत्ता खरीदी की जा रही है। पहले दिन से ही संग्राहक बड़ी संख्या में केंद्रों में पहुंचकर तेंदूपत्ता की बिक्री कर रहे हैं। ग्रामीण आजीविका संवर्धन में तेंदूपत्ता संग्रहण मददगार साबित हो रहा है। यहां हम आपको बता दें कि हर वर्ष तेंदूपत्ता की खरीदी की जाती है। विभाग की खरीदी के अलावा कई केंद्रों का ठेका भी लिया जाता है। गर्मी के दिनों में सुबह से ही गाँव वाले तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए जंगल की चले जाते हैं। तेज धूप होने से पहले वापस घर भी लौटकर परिवार के सभी सदस्य मिलकर निर्धारित पत्तों की संख्या की गिनती कर उसकी गड्डी बनाते हैं। फिर दोपहर बाद तेंदूपत्ते की बिक्री करने केंद्रों में पहुंचते हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए शासन द्वारा भी कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इस साल अभी तेंदूपत्ता की गुणवत्ता ठीक है, मौसम का मिजाज नहीं बिगड़ा तो ग्राहकों को इस साल भी ज्यादा लाभ होगा। बहरहाल तेंदूपत्ता ग्रामीण इलाकों और वन क्षेत्रों में निवासरत लोगों के लिए आजीविका का प्रमुख साधन बना हुआ है। यहां आपको बता दें कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को पत्ता संग्रहण से जहां रोजगार मिल रहा है और ये उनकी प्रमुख आय का साधन भी बन जा रहा है। महासमुंद से रवि विदानी की रिपोर्ट।